इधर बुलंदशहर में अनूपशहर से भाजपा विधायक संजय शर्मा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक गौशाला पर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने गौशाला में अव्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई है। विधायक संजय शर्मा यहां बिस्तर, चारपाई और खाने के साथ धरना देने पहुंचे। कहा जा रहा है कि वो रात भर नगलकरण गौशाला के बाहर समर्थकों के साथ धरने पर बैठे रहे। इधर बुलंदशहर में अनूपशहर से भाजपा विधायक संजय शर्मा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक गौशाला पर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने गौशाला में अव्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई है। विधायक संजय शर्मा यहां बिस्तर, चारपाई और खाने के साथ धरना देने पहुंचे। कहा जा रहा है कि वो रात भर नगलकरण गौशाला के बाहर समर्थकों के साथ धरने पर बैठे रहे। इधर बुलंदशहर में अनूपशहर से भाजपा विधायक संजय शर्मा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक गौशाला पर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने गौशाला में अव्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई है। विधायक संजय शर्मा यहां बिस्तर, चारपाई और खाने के साथ धरना देने पहुंचे। कहा जा रहा है कि वो रात भर नगलकरण गौशाला के बाहर समर्थकों के साथ धरने पर बैठे रहे। इधर बुलंदशहर में अनूपशहर से भाजपा विधायक संजय शर्मा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक गौशाला पर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने गौशाला में अव्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई है। विधायक संजय शर्मा यहां बिस्तर, चारपाई और खाने के साथ धरना देने पहुंचे। कहा जा रहा है कि वो रात भर नगलकरण गौशाला के बाहर समर्थकों के साथ धरने पर बैठे रहे। इधर बुलंदशहर में अनूपशहर से भाजपा विधायक संजय शर्मा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक गौशाला पर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने गौशाला में अव्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई है। विधायक संजय शर्मा यहां बिस्तर, चारपाई और खाने के साथ धरना देने पहुंचे। कहा जा रहा है कि वो रात भर नगलकरण गौशाला के बाहर समर्थकों के साथ धरने पर बैठे रहे। इधर बुलंदशहर में अनूपशहर से भाजपा विधायक संजय शर्मा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक गौशाला पर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने गौशाला में अव्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई है। विधायक संजय शर्मा यहां बिस्तर, चारपाई और खाने के साथ धरना देने पहुंचे। कहा जा रहा है कि वो रात भर नगलकरण गौशाला के बाहर समर्थकों के साथ धरने पर बैठे रहे।